तो इस कहानी में हम लोग देखेंगे, जो इस कहानी का चैप्टर का नाम है खेमा, इसमें देखेंगे खेमा कौन है, ये किस प्रकार का एक लड़की की कहानी है, एक छोटे से बच्चे की कहानी है, जो कि लोग क्या करते हैं कि उसको मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं और वहाँ पे जो मजदूरी कराने वाले मालिक होते हैं उस पर किस प्रकार का अत्याचार करते हैं, इस पूरी कहानी के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। और वहाँ पे उस बच्चे की मुक्ति किस प्रकार से मिलती है, वहाँ से वो किस तरह से हटता है, यहाँ देखेंगे। देखिए, यह जो कहानी है बाल मजदूरी की, नृशंसता संस्था को उभारती है कि बाल मजदूरी जो है इसको कैसे लोग इस पर, पहले तो बाल मजदूर था तो लोगों ने, सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये बाल मजदूरी को हटाया, ठीक है, लेकिन पहले लोग किस तरह से बाल मजदूरी लोगों बच्चों से करवाते थे और उससे कितना शोषण उसके साथ करते थे, यहाँ देखिए। और बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है, और जितने भी बाल श्रमिक हैं, मतलब जितने भी श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले बालक हैं, उनके प्रति लोगों का सोच को संवेदनशील बनाना, ठीक है, ये इस कहानी में देखा गया है। देखते हैं यहाँ कहानी किस प्रकार से है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे गली के नुक्कड़ पर एक चाय की दुकान रहती है, और चाय की दुकान मतलब उसका होटल रहता है, और उसमें दूध का बाल्टी भी रहता है, ग्लास भी रहता है, चीनी का डब्बा भी रहता है। इसे समझ सकते हैं कि ये लाइन होटल की तरह होता है, जैसे हम लोग कहीं आते जाते हैं तो रोड के साइड में हम लोग देखें एक ढाबा टाइप का रहता है, उसी टाइप का ये होटल है, ठीक है। और उस होटल के मालिक कौन है, कसारा। अरे नाम से ही पता चल रहा है कसारा, जस्ट लाइक ए कसाई बोल सकते हैं ना, ठीक है, कसारा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जो कसारा था वो एक गांव से बच्चा लाता है, ठीक है, लगभग 8-9 वर्ष का था उम्र उसकी, 8-9 वर्ष यहाँ लिखे हैं, ठीक है। और उस व्यक्ति को, मतलब वो जो कसारा था, वो बच्चा को लाया था काम करने के लिए, क्योंकि आएगा तो जो भी लोग चाय पीने के लिए आएंगे, ठीक है, उसको चाय देगा, उसका गिलास धोएगा, ठीक है, श्रम करने के लिए वहाँ पर लाया था। बेचारा गाँव का बालक था जिसका नाम था खेमा। आप लोग याद रखेंगे इस चैप्टर की पूरा का पूरा मेन इसमें जो किरायेदार है वो खेमा लड़का ही है, और इसी पर कहानी है। तुतली आवाज, अब छोटा बच्चा 8-9 साल का हो तो थोड़ा सा तुतला के बोलता है, ठीक है, 8-9 वर्ष उम्र, रंग गेहुआ कलर का, हल्का सा सांवला समझिए, ठीक है, कद 3.5 फुट, लगभग 3.5 फुट का कद हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सुबह सुबह ये उठता है, तो इसका डेली रूटीन कैसा होता है, सुबह में यानी ग्राहकी अब शुरू हो गया वहाँ सुबह, तो वहाँ सुबह होते ही लोग आते हैं चाय पीने के लिए, बेचारा क्या करता था, सबको चाय देता था, और जो यहाँ पे कसारा था इसको बहुत डांटता था, किसी भी काम को, खेमा ये नहीं किया वो नहीं किया, और ज़रूरत पड़ने पर पिटाई भी करता था, ठीक है। सुबह से बेचारा लोगों को चाय देता था, और फिर आकर के और अपनी छोटी छोटी उंगलियों से, मतलब कि आप देखते हैं जब चाय लोग पी लेते हैं उसके बाद से एक उंगली दो उंगली से डाल करके 3-4 कप उठा करके और ले जाता था और वहाँ धोता था, ठीक है, और धोने के बाद से फिर वो कप को रख देता था, गिलास को रख देता था, यानी इसका डेली रूटीन था पूरे बर्तन को धोना। और बार बार जो जो ये बोलता था कसारा, जो भी बोलता था साफ करने के लिए उसको, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेंच पर साफाई साफ करने के लिए, ठीक है, उस पर कपड़ा रख के साफी साफ करता था, साफी समझ लो उसको, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिएगा कि गांव में जब दुकान होता है चाय वगैरह का, तो चाय वाले के जो भी नौकर होता है वो दूर भी, अगर कोई साइकिल वाला दुकान है, पंचर की दुकान है, ठीक है, या फिर किसी स्कूल है, तो वहाँ चाय पहुँचाना पड़ता था। एक बार जो था कसारा जोर से बोलता था डांट करके, और डांटने के बाद से ये क्या करता था, खेमा ज़्यादा था वहाँ सब जगह चाय पहुँचाता था, और सबको वहाँ डायरी ले जाता था और डायरी में सबका हिसाब नोट कराता था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, साइकिल वाला के 3 चाय दे दो, ठीक है, मास्टर जी के 2 और सेठ जी के 5, ठीक है, और उसका पूरा का पूरा हिसाब इसको बार बार दौड़ा दौड़ा के थका देता था, शाम तक इतना थक जाता था कि जाते ही बेड पे सो जाता था, इस प्रकार से हो जाता था। बेचारा इतने कम उम्र के इसका शोषण ही किया जा रहा है, इसका एक तरह से देखा जाए तो खून चूसने का काम ये मालिक यानी कि होटल का मालिक कर रहा है, इतने छोटे बच्चों को इतना काम दे के, ठीक है, उसके बाल जीवन के साथ खेल रहा है, जिस उम्र में इसको खेलना चाहिए था उस उम्र में ये क्या कर रहा है, ये अपना श्रम करके पैसा कमा रहा है, ठीक है। आखिर क्या कंडीशन इसका फैमिली का रहा होगा, ठीक है। अब देखिए खेमा के चप्पल, अब देखिए ये जब जाता था पैसा वगैरह पहुंचाने के लिए, पैसा लाने के लिए, ठीक है, या फिर चाय पहुंचाने के लिए, तो इसके धूप से पैर मतलब जलते थे, ठीक, क्योंकि जब धूप पड़ेगा तो जब जाएंगे हम लोग पैदल तो जाहिर सी बात है कि पैर जलेगा, और जब पैर जलता था उस समय आकर के ये किससे बोला,
कसारा से बोला कि हमको एक चप्पल चाहिए, चप्पल खरीद दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा पैर जलता है, चाहे ले जाने में या जो भी काम करने में अगर बाहर जाते हैं तो पैर जलता है। कसारा बहुत जोर से डांट करके बोला कि तुमको चप्पल चाहिए, देंगे दो तीन चप्पल सर पे, ठीक है, यानी मारने को धमकाया। ये बेचारा चुपचाप हो गया और चुपचाप से फिर अपना काम करने लगा, ठीक है। ये मतलब उसका रिप्लाई गुस्सा में कभी नहीं देता था, क्योंकि ये बेचारा गरीब था और गरीबों का शोषण करना शुरू से ही जो अमीर लोग हैं उनका काम ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे खेमा का चप्पल, अब अप्रैल का यही महीना था और उस समय काफ़ी ज़्यादा लगभग धूप भी पड़ता है, और उसी समय अप्रैल के महीने में अगर आप पैदल जा रहे हैं तो समय भी पैर काफ़ी जलता है। आजकल के ज़माने में तो लोग, हमको लग रहा है कि पैदल चले हुए लोगों का जमाना हो जाता है, वो ठंडी हो या फिर गर्मी हो। यहाँ देखिए कि अब देखिए खेमा के खाने का समय थोड़ा सा देख लीजिए। जब वो खाने के लिए बैठता तब तक अगर खाते समय या खाने के थोड़ा देर पहले अगर कोई चाय पीने आ जाता तो अपना बीच में ही खाना छोड़ करके और फिर उसके कामों में लग जाता था बेचारा। और जब वो चाय देने जाता था उसका मुंह लटका हुआ होता था। आखिर क्यों? क्योंकि बेचारे को भूख लगी होती है, सुबह से वो खाया नहीं रहता है, ठीक है। इतना एक छोटे से बच्चे, एक मासूम बच्चे को इस तरह से बेदर्दी से काम करा रहा था कौन? कसारा, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों से जान पहचान, इस हिसाब से कुछ लोगों से उसको जान पहचान हो गई थी। तो देखिएगा जब दुकान पे लोग आते हैं तो वहाँ पे लोग इशारा करते हैं, खेमा जो भी सामान लेना होता है ना उसको इशारा करते हैं कि वो चीज़ ला करके दो, तो वो समझ जाए रोटी लाना हो खेमा को कह के, और बस रोटी के तरफ लोग हाथ उंगली इशारा कर देते थे, ठीक है। इससे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग इससे भद्दी भद्दी गालियां भी देते थे कि ये लाओ वो लाओ। कुछ लोग चाय पीने आते थे, आप लोग किसी किसी मूवी में देखे होंगे जो भी नौकर होते हैं किसी होटल में उसको लोग भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं, उसको मारते भी हैं और उसके बाद सेठ जी से कंप्लेन भी करते हैं। तो ऐसे कंडीशन होता है। अब देखिए होटल के पास क्लिनिक था, और जानते हैं जहाँ जिस होटल के पास से दवा दुकान हो या फिर किसी डॉक्टर की क्लिनिक हो, ठीक है, वहाँ पे सुबह और शाम तो ज़रूर भीड़ लगता है, ठीक है, क्योंकि लोग आएंगे हॉस्पिटल में तो किस प्रकार के मरीज आ रहे हैं, सब मरीजों को झेलना और वहाँ पे आकर के चाय पियेंगे और नाश्ता करेंगे। तो यहाँ उस समय खेमा काफ़ी इधर उधर दौड़ धूप करता था और बेचारा बहुत थक जाता था। 8-9 साल का लड़का आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि बेचारे को कितनी परेशानियां होती होगी, और नहीं करने पर जो कसारा था वो उसका पिटाई करता था, ठीक है। अब देखिए बेचारा शाम सुबह चाय बिकती थी और कसारा की सारी दुनिया, ठीक है, होटल में सिमट गई थी, और बेचारा, सॉरी कसारा नहीं, यहाँ पे आपका होगा खेमा, ठीक है, खेमा की सारी जिंदगी क्या हो गई थी, खेमा लिख देते हैं, सारी दुनिया उस होटल में ही अब गुजर रहा था, क्योंकि वो होटल से उसको लग रहा था वो अपने आगे भविष्य के बारे में कुछ सोचा नहीं, क्योंकि वह एक तरह से बधुआ मजदूर की तरह था, ठीक है, काम उसी में करना है, अगर मिस्टेक हुआ तो ये कसारा पिटाई भी करता था। अब देखिए कसारा की आवाज खेमा के लिए, अब यहां पर देखिए क्या होता है कि कसारा जो होता है उसे मतलब चिल्ला करके बुलाता है, और जो खेमा होता है वो बाहर किराने दुकान पर आता है, वो दौड़ करके उधर से आता है। उधर से आने के बाद बोला कि ये बर्तन तेरा बाप साफ करेगा, ठीक है, कौन बोला? कसारा बोला। बेचारा वो कुछ नहीं बोला और जाके बर्तन साफ करने लगा। यह जितना भी घटना था ये, फिर वो रात को आता था, फिर वैसे ही खाना मिलता, खा करके सो जाता, फिर सुबह से फिर उतना ही काम। ये दो दिन से जो इनके लेखक हैं वो देख रहे थे कि बेचारा दो दिन से इस बच्चे का शोषण कितने बेरहमी से किया जा रहा है, ये छोटा सा बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में ये जानने की कोशिश किए। जब सेठ जी थे, इसमें सेठ जी का मतलब यहाँ समझिए कसारा, जब चाय और चीनी का मतलब चाय पत्ती और चीनी वगैरह लेने के लिए मार्केट गया तो इशारा दे करके खेमा को लेखक बुलाए और बोले कि तुम इतना काम करते हो, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, ठीक है। तो चौंक गया कि पढ़ाई लिखाई नहीं, यही सेठ जी हमसे यही काम करवाते हैं और मम्मी पापा मतलब बोले हैं काम करने के लिए यहाँ पे। अब इसको लगा और उससे पूछे लेखक कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई और बेचारा वो इशारे में ही बोला कि हाँ, मतलब उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है, लेकिन वो मजबूर था अपने परिवार से और वहाँ पे उसको काम पे वो काम करने आया था, तो वहाँ उसका पढ़ने का कोई मतलब प्रश्न ही नहीं उठता था। अब देखिए क्या हुआ, लेखक उसके घर पे गए और काफ़ी ज़्यादा, वहाँ जाने के बाद से उसके पापा मम्मी जो भी थे, ठीक है, उसके पापा और मम्मी काफ़ी कर्ज लिए थे, किससे? कसारा से। इसी के वजह से काम करके कर्ज चुकाने बेचारा 8-9 साल का लड़का ये जो था आया हुआ था।
ठीक है। अब ये गए और जा करके लेखक उसके मम्मी उसके पापा से मिले, और मिलने के बाद से उसके पापा बोले कि इस जो ये लड़का है ये पढ़ना चाहता है, ठीक है, इसको आप पढ़ने दीजिए, हम एक टीचर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक एक टीचर के रूप में गए हैं, ठीक है, टीचर ही हैं। और वो बोले कि ठीक है, लेकिन कसारा का पैसा तो चुकाना पड़ेगा। लेखक बोले कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। और वहाँ से आए और करीबन बहुत समय 8-9 घंटे बाद बात करने के बाद से कसारा को मुक्ति मिल गया। अब शायद लेखक कसारा का सारा पैसा चुकाए थे, ठीक है। और उसके बाद से लेखक अपने घर पे लाए, उसको खिलाए, ठीक है। खिलाने के बाद से वो काफ़ी प्रसन्न था, और वो ऐसे चल रहा था वहाँ से जब उसको आज़ादी मिली, जैसे कि किसी पिंजड़े से पंछी आज़ाद हो जाता है, उस हिसाब से वो चल रहा था। अब देखिए, जब ये आया तो खाना वाना खा करके, और फिर रात के समय जब सेठ जी सोने गए, यानी कि लेखक सोने गए, उस समय उन्होंने क्या किया, आ करके खेमा सेठ जी का पैर दबाने लगा। उसको आदत थी कसारा का, वो हर रात पैर दबाया करता था, तो बेचारे की आदत थी, ठीक है। अब वहाँ बोला कि तुम मेरा पैर क्यों दबा रहे हो, तो उन्होंने पूरी घटना बेचारा खेमा बताया कि कसारा जो था हमारा, मतलब डेली रात को पैर दबाता था। बेचारा लेखक भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गया कि इतने छोटे बच्चे को, ठीक है, दिन भर ये थका हुआ है और रात में भी, ठीक है, ये काम कर रहा है। वो बोला कि जाओ तुम सो जाओ, ठीक है, सुबह से तुमको पढ़ाई करने जाना है। इस प्रकार आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से बेजान बच्चा, एक तरह से समझे जो कि काफ़ी मासूम है, उसका किस तरह से श्रम के नाम पर शोषण किया जा रहा था, दिन में भी और रात में भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूर्ण रूप से कहानी खेमा, इसमें तीन पात्र हैं, लेखक, खेमा और कसारा, तो ये समझ में आपको पूरा का पूरा आया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले जो लेसन है 17 उसके साथ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।